अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ बोर्ड के पिछले चेयरमैन के हटाए जाने के बाद दो नए मेंबरान का उसमें इंक्लूड करना और उसमें से मुझे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामजद करना, आज वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर का खसूस इजलास हुआ जिसमें वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन अकबर निजामुद्दीन साहब की सदारत में मुतसम खान साहब मेरा नाम प्रपोज किए बैसे थे चेयरमैन के लिए और तमाम अराकीन की जानिब से मुतफिका तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं और इस ओहदे के लिए मुझे चुनने के लिए सबसे पहले अल्लाह और रसूल का शुक्रगुजार हूं और मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं हैं और रियासती हुकूमत के वजीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे पार्टी के जितने भी आला कायदीन हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस ओहदे के लिए काबिल समझा और इस ओहदे पर मुझे फायज फरमाया। और मैं इंशाल्लाह 21 तारीख को 12 बजे यहां पर मैं अपनी जिम्मेदारियों का जायजा लूंगा क्योंकि ऑफिशियल तौर पर सरकारी तौर पर तो मेरा अपॉइंट हो चुका हूं लेकिन मैं अपने तरीके से 21 तारीख से मैं यहां पर अपनी पूरी जिम्मेदारी का काम कर शुरुआत करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों की मुझे मदद रहेंगी तायद रहेंगी क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा बोर्ड है हुकूमत में जिसमें दीन और दुनिया दोनों का काम है तो अल्लाह ताला शायद हो सकता है इस जरिए से मेरा कौम की खिदमत करने का मुझे मौका दिया होगा और मैं बिल्कुल भी साफ सुथरी ईमानदारी से इस वक्फ बोर्ड की खिदमत करने की मैं कोशिश करूंगा। इसके मसाइल हैं हम आपस में बोर्ड में बैठ के इत्तेफाक से इसको हल करने की हम कोशिश करेंगे और एक कुछ ऐसे कारनामे करने की हम कोशिश करेंगे कि आने वाली नस्ल में ये मैसेज जाए कि ये हाँ इस दौर का ये बोर्ड कुछ कौम के लिए कुछ मिल्लत के लिए काम किया। ऐसे कुछ हम कारनामे करने की कोशिश करेंगे। हम अभी इजलास में वही हम डिस्कस किए हैं तो इंशाल्लाह 21 तारीख के दिन आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आइए और इस बोर्ड की कामयाबी के लिए बलखसूस मेरी कामयाबी और कारकर्दगी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मुझे बिल्कुल ईमानदारी से इस बोर्ड का मुझसे काम ले और हर शर्त से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसाद पर MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा जॉनसन एंड जॉनसन PNG LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर गेटेड कम्युनिटी स्पॉट रजिस्ट्रेशन क्लियर टाइटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बिहाइंड जॉन्स फंक्शन हॉल VIP कॉलोनी चंद्रायन कुट्टा हैदराबाद